Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू करंट अफेयर लाइव्स। और करंट अफेयर लाइव में आपका स्वागत है। 22 तारीख है आज। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ढेर सारी न्यूज है आज, मैंने न्यूज़ की क्वांटिटी बढ़ा दी है क्योंकि बहुत से ऐसे न्यूज़ हैं जो उतना ज़्यादा रिलेवेंट अगर नहीं माने जाएंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन बाकी एग्जामिनेशन के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूज़ लेकर आज मैं आ चुका हूँ और हम लोग सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इफ़ यू आर रेडी फॉर द सेशन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में उसका इशारा मुझे दे दीजिए एंड देन विल स्टार्ट गोइंग अहेड। और ये देखिए, रविता, रवि, फैजल, दीक्षा, अनामिका, नंदन, अंकित, मंजू, शुभम, सब लोग कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। चेतन, गुड मॉर्निंग। सभी लोग गुड मॉर्निंग। एम एस गोकलन, गुड मॉर्निंग। अब चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को एक साथ एकदम होल सेल से। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग शो को आगे बढ़ाएं, आप लोग छोटा सा एक काम कर दीजिए, वही है जो हमेशा कहता रहता हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और शेयर ज़रूर करें और शेयर फ्रेंड सर्कल में करें अपने। ठीक है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें जब आप शेयर करोगे तो और लोग आएंगे और उससे हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग बढ़ेगी। और कॉम्पिटिशन की फीलिंग जो है इस कॉम्पिटिशन के दौर में बहुत ज़रूरी है, वरना आदमी दौड़ता नहीं। याद रखो, आप इमेजिन करो अगर 100 मीटर वाला रेस जो है, अगर उसैन बोल्ट को अकेला दौड़ना पड़ता तो मेरे ख्याल से फिर वो क्यों इतना पेन लेता भाई, क्योंकि अगल बगल 9 और दौड़ रहे होते ना तो उनकी भी स्पीड बढ़ जाती। तो याद रखो, कंपटीशन जो है आदमी की जो कैपेसिटी है वो हमेशा बढ़ा देता। ये तो नया एक मोटिवेशनल कोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए जो 499 का लॉकडाउन ऑफर है, जिसमें आपको कॉम्बो प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, वो 21 और 22 में को जो वैलिड था, जिसके लिए आप myshop.mahindra.org पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज आपके पास समय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। देखिए कितना कितना प्यारा सा लाइन है, दो इसमें सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं। कह रहा है कि वेक अप विद डिटर्मिनेशन, मतलब जब उठो सुबह ना तो कर लो आज ये मैं करूँगा, एंड देन गो बेड टू विद सेटिस्फैक्शन। फिर जब आप सोने जाओगे तो आपको एक एहसास, एक फीलिंग, एक पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी कि हाँ यार, आज मैंने जो है ये ठान रखी थी, ये काम मैंने कर लिया। यानी गिल्ट फीलिंग नहीं होगी, अचीवमेंट वाली फीलिंग होगी। ये अचीवमेंट वाली फीलिंग जो होती है ना, छोटे छोटे जीत पे खुशियां मनाना, अपनी पीठ थपथपाना, ताली बजाना, ये जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं ये हमेशा आपको जो है आगे ले जाएंगे। ये बात क्लियर है, आई होप ये इस बात से आप एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपके लिए सबसे पहले जो सेक्शन है वो है कि 22 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे समझो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब समझ रहे हो क्या है? जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, जितने भी टाइप के जानवर हैं, जितने भी टाइप के स्पीसीज हैं, इन सब की जो ये डाइवर्सिटी, इसी को तो कहते हैं। एक जगह बकरी है, दूसरी जगह शेर है, देखो कितना डाइवर्स अपने आप में, कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे जानवर जो है दुनिया में, और सबसे खतरनाक जो जानवर है यानी ह्यूमन बींग, उसकी वजह से ये जानवर भी बेचारे खतरे में पड़ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और आज जो है हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और बेहतर, मतलब और अंडरस्टैंड करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए आप। एक तो सबसे पहले मैं चाहूँगा टेक्निकल टीम जरा सा मुझे गायब करे, तो आप लोगों को जो एक इमेज मैंने लगा रखी है वो दिख जाएगी शायद। चलिए, थैंक यू वेरी मच टेक्निकल टीम। अब देखिए, ये जो हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मना रहे हैं, इसका जो थीम है वो थीम आपको इसी इमेज में नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, थीम आई होप आपको दिख गई। द थीम इज आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। बहुत सीधा सा लाइन है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, इस वर्ष का जो थीम है। ठीक, दूसरी चीज, अब ये देखिए, ये जो हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर हम लोग मना रहे हैं, तो पहले ही ये इसी डेट को नहीं मनाया जाता था। ठीक है, देखिए, सन 2000 तक ये दिसंबर 29 को मनाया जाता था, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। कब? दिसंबर 2000। ठीक है, इसमें मीटिंग हुई और इसको चेंज कर दिया गया। इसको चेंज करके 22 मई 1992 कर दिया गया, 22 मई 1992 कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जिसको आप रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जब हुआ, तब इसको
इस चीज को जो है मतलब उस रियो डी जेनेरियो वाली जो अर्थ समिति थी उससे अलाइन करने के लिए, ठीक है, उससे अलाइन करने के लिए ये डेट जो है जो 29 दिसंबर थी वो चेंज करके मई 22 कर दी गई। यानी पहले ये 29 दिसंबर को मनाया जाता था और अब ये जो है मनाया जाता है कब, मई 22 को। इतनी बात क्लियर हो गई। मई 22 को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो है वो मई 22 में 1992 में मई 22 को हुआ था। इसी को कमेमोरेट करने के लिए, इसी से अलाइन करने के लिए ये किया गया। और एक चीज और जान लीजिएगा, 2011 से 2020 जो है वो डिकेड ऑन बायोडायवर्सिटी मना रहा है यूनाइटेड नेशन, यानी ये वर्ष भी शामिल है। ठीक है, आई होप इतने क्लियर हो गया। ठीक, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिलहाल हम लोग आते हैं अपने करंट अफेयर के सेक्शन पे। ठीक है, हाँ, करंट अफेयर के सेक्शन पे आते हैं। बिल्कुल, रियो डी जेनेरियो के बारे में आप लोग जानकारी बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक, चलिए, तो वापस मुझको स्क्रीन पे लाया जाए टेक्निकल टीम। ठीक है, करंट अफेयर एनालिसिस की हम लोग बात करेंगे। करंट अफेयर एनालिसिस में सबसे पहले आपके सामने, इसरो हैज अटेन अ पेटेंट फॉर इट्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल मून सॉयल ऑन अर्थ। ठीक है, ये बहुत स्ट्रेट लाइन है लेकिन अब इसको समझने की जरूरत। देखिए, इसरो आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि इसने एक तरीका ढूंढा है जिससे वो मून पे जो मिट्टी है ना, मून पे जो मिट्टी है एकदम उसी के टाइप की मिट्टी ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर ले रहे हैं। तो इससे जानते हैं, बना ले रहे हैं। ठीक है, कैसे बना रहे हैं, तो देखिए होता क्या है, स्टोन्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होते हैं। ठीक, तो इसरो को कुछ ऐसे स्टोन्स या ऐसी पहाड़ियां मिल गई हैं कि जिनका स्टोन जो है वो यूज करके उसको मून के सोयल की तरह उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इस आइडिया, इस प्रोसेस का, मून का सोयल बनाने में, सोचिए चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा पे जो मिट्टी है, जिस टाइप का जो भी सोयल है वो अर्थ पे जनरेट किया जा रहा है, वो अर्थ पे बनाया जा रहा है, और अर्थ पे बनाया जा रहा है तो उसका जो प्रोसेस है उसको पेटेंट करा लिया किसने, इसरो ने। ये बहुत अच्छा काम कर लिया। ठीक है, क्योंकि आइडिया है ना, ये नया क्रिएटिविटी है, तो इस क्रिएटिविटी को जो है इसरो ने पेटेंट करा लिया है। और ये हम लोग के लिए फख्र की बात है कि इसरो ने ये ऐसा एक नया एक खोज, नया एक प्रोसेस उन्होंने तैयार किया। ठीक है, देखिए इसका यूज़ क्या करेंगे ये लोग। जब इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन गया था, सब कुछ कामयाब था, बस रोवर जो है वो उसका जो लैंडिंग है वो मतलब हार्ड लैंडिंग हो गई थी, बहुत तेज़ी से वो जाके उस वहाँ के सोयल पर लड़ा, जिसकी वजह से शायद उसमें खराबियाँ आ गई। लेकिन अब ये चंद्रयान 3 करेंगे, जब चंद्रयान 3 भेजेंगे तो उस पर रोवर की मूवमेंट वगैरह को गाइड करने के लिए वैसा माहौल यहाँ बनाना पड़ता है, तो वही माहौल इन्होंने यहां पे बना दिया इस मिट्टी के माध्यम से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो जरूर बता देना। तो चलिए आपके सामने मैं डिटेल दे देता हूं, ट्विंकल सिंह ने ऑलरेडी डिटेल देने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, डू इट, ऐसे ही आप लोग डिटेल डालते रहो। ठीक है, उससे आपकी चीजें मेमोराइज होती जाएंगे। चलिए, फॉर्मेशन कब हुआ इसरो का, 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक का, इंडिया में है, के सिवन चेयरमैन है इसके, चंद्रयान 3 जो होगा वो लॉन्च होगा। देखिए इसका डिटेल मैंने थोड़ा सा डाल दिया कि ताकि आप लोग तैयार रहें। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 जो है दैट लॉन्च डेट इज 2020, स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट इज रोवर उतारा जाएगा मून पे। ठीक है, रॉकेट जो यूज होगा वो GSLV Mark III होगा। ठीक है, GSLV Mark III होगा। ठीक, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप लोग जानते हैं ना जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो अर्थ है, देखिए अर्थ है तो एक सैटेलाइट होती है जो अर्थ के इक्वेटर के बराबर चलती है। ठीक है, और एक सैटेलाइट होती है जो पोल्स के बराबर चलती है, और एक होती है जो थोड़ी इंक्लाइन होकर चलती है। ऐसे सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, जियोसिंक्रेनस का यहाँ ये मतलब है कि जो अर्थ का उसकी जो टाइमिंग होती है वो 24 आवर में एक चक्कर लगाता है, बिल्कुल मैच करते हुए कि जो अर्थ का रोटेशन है वो 24 आवर का होता है। तो ये सैटेलाइट भी उसी से मैच करते हुए 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो आप इमेजिन करो अगर यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, ठीक है,
तो वो इसी इसी के साथ जो है 24 घंटा घूम रहे। तो अगर आप ऊपर देखोगे और सैटेलाइट दिख रही है ना, तो आपको एक ही जगह पर वो सैटेलाइट दिखेगी। तो ये जियो स्टेशनरी वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, जो इक्वेटर पर चलती है ना, उसके लिए जियो स्टेशनरी वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक, जियो सिंक्रोनस जब हम लोग कहेंगे ना, जियो सिंक्रोनस का मतलब बात तो वही है कि वो 24 घंटा ही टाइम लेगा, और इसमें इंक्लाइन थोड़ा सा इंक्लाइन होके चलता है। ठीक है, इंक्लाइन होके चलता है, तो अगर आप ऊपर देखोगे तो उसकी मूवमेंट आपको दिखेगी कि वो ऑसिलेट अलग समय पे अलग जगह पे वो दिखता नजर आएगा आसमान में, अगर आप देखोगे। ठीक है, और एक पोलर वाला होता है, वो पोल्स को टच करते हुए चलता है। चलिए, अब बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग टेक्निकली चीज़ों में ना जाएं, तो फिलहाल आप इतना समझ लो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो जो ऑर्बिट करता है, वो ऑर्बिट पाथ ऑर्बिट जो है वो 24 घंटे में करता है, यानी 24 घंटे में अर्थ का एक चक्कर उसको लगाना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट अर्थ के बराबर ही वो चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव द सेल ऑफ 18 हैवी वेट MK-48 टॉर्पीडो टू ताइवान फॉर 180 मिलियन। अब देखो यहाँ खेल चालू हो गया, यहाँ खेल कैसे चालू हो गया आप समझिए। ताइवान जो ये नाम आप देख रहे हो ना, इसका नाम जानते हो क्या है? इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बहुत बड़ा गेम चलना शुरू हो गया, समझ लो ये चेस हो रही है किसके बीच, चाइना और उसके खिलाफ कई देशों के, जैसे यूएस है, इंडिया है, मोस्ट बहुत से कंट्रीज है ना, अब चेस खेलना शुरू कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे चाइना है, ठीक, और ये ताइवान है। चाइना कहता है ताइवान जो हमारा हिस्सा है, मतलब हमारा ही पार्ट है, ठीक, और कभी भी जरूरत पड़ी सेना उतारेंगे, इसको कब्जे में ले लेंगे, ये उनका कहना। किसका? चाइना का। अब ताइवान क्या कहता है? ताइवान कहता है कि हम लोग असली जो चाइना था वो हम ही लोग हैं, ठीक है, और ये जो कम्युनिस्ट चाइना है वो जो सिविल वॉर एक हुई थी, ठीक है, सिविल वॉर में अराउंड 1945 में सिविल वॉर हुई थी, तो सिविल वॉर में जो जो नेशनलिस्ट थे, दो लोग थे, देखो नेशनलिस्ट थे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो जल्दी से शेयर सब्सक्राइब और थम्सअप वगैरह डालते रहें। ठीक है, देखिए, तो ये जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक होता है ना राष्ट्रभक्त, देशभक्त, तो नेशनलिस्ट एक पार्टी थी और एक कम्युनिस्ट जो अभी है, ठीक। तो नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट, वहां पे सिविल वॉर हुआ और सिविल वॉर का नतीजा ये निकला कि ये नेशनलिस्ट को कम्युनिस्टों ने हरा दिया और इनको भगा दिया, और ये लोग भाग के आए कहां? ताइवान। ताइवान में इन्होंने अपना रिपब्लिक ऑफ चाइना वहां चलाते रहे, जिसको ताइवान या रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, ठीक है। और चाइना हमेशा यही कहता है कि ये जो है ताइवान जो है ये हमारा हिस्सा है भैया, हम जब मर्जी हुआ तब इस पे सेना उतारेंगे और कब्जे में ले लेंगे, ठीक है। और देखिए हुआ क्या, फिर आगे चल के 1969 में यही अमेरिका जो आज टॉर्पीडो बेच रहा है, यही अमेरिका जो है, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने होते हैं ना, अगर वो अपने यहाँ पे राजदूत रख दें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस देश को मान रहे हो कि हाँ ये देश है और ये एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो ये वाली बात यहाँ पे आई, तो अमेरिका ने क्या किया, यहाँ से अपने राजदूत को हटा के उसको मेनलैंड चाइना में रख दिया। अब इससे ये हो गया कि ताइवान को हम नहीं मानते कि ये कोई राष्ट्र है या अलग राष्ट्र, क्यों? क्योंकि अगर मान लेते तो चाइना से रिलेशन खराब हो जाता, उस समय अमेरिकी चीनी भाई भाई चल रहा था ना, तो ये कार्यक्रम था। अब अमेरिकी चीनी भाई भाई नहीं चल पा रहा, ठीक, तो अब देखिए क्या कर रही है, टॉर्पीडो बेच रहे हैं, ठीक है, हथियार दे रहे हैं। मतलब क्या है, इस हथियार का इस्तेमाल वो क्या करेगा? अरे बच्चे खेलेंगे थोड़ी ना कि आओ तो हम लोग टॉर्पीडो खेलते, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या होगा? कभी भी कोई एग्रेसिव मूव होगी तो वो चाइना के लिए ये टॉर्पीडोज यूज की जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे आपको कॉन्ट्रीडक्टरी एक नाम भी दिख रहा होगा, साउथ चाइना सी, इस समय चल रहा है ना साउथ चाइना सी वाला, ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई थोड़ी सी। यूनाइटेड स्टेट ने MK-48 टॉर्पीडो ताइवान को बेची है, जो इसकी वैल्यू है 180 मिलियन, ठीक है। और ये जो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल और मैं आपको शेयर कर देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। कैपिटल जो है इसका ताइपेई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल ताइपेई है, प्रेसिडेंट है साई इंग वेन और प्रीमियर है सू सेंग चांग, ठीक है। और करेंसी है यहाँ की न्यू ताइवान डॉलर, ठीक। आई होप ये बात आपको इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी, ये इतनी चीज क्लियर हो गया आपको, मैप समझ में आ गया देख के, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI अप्रूव एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ टोटल इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ इमामी सीमेंट लिमिटेड बाय नुवोको विस्तास कॉरपोरेशन लिमिटेड। जो इमामी सीमेंट लिमिटेड है उसको कौन खरीद रहा? नुवोको विस्तास कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये उसको खरीद रहा है, ठीक है। क्या खरीद रहा है भाई? उनके जितने भी इशूड कैपिटल है और पेड अप कैपिटल। देखो अगर कंपनी के पास कंपनी की कैपिटल, मतलब कंपनी की जो वैल्यू आप देखो वो 100% है मान लीजिए, ठीक है, तो
जितना कंपनी जो शेयर बाजार में लाती है ना वो इशूड कहलाता है, ठीक। और जितने इशूड हैं उसमें से जितने के पैसे आ चुके हैं ना वो पेड अप हो जाता है, ठीक, पेड अप कैपिटल हो जाता है। किसी दिन और विस्तार से इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्विजिशन का मतलब देखो परचेस नहीं होता, देखो एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि उसको कब्जे में कर लेना एक तरीके से, ठीक। आपको याद होगा, ठीक है, अगर कॉरपोरेट मूवी आपने देखा होगा तो उसमें भी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है, और ऐसे कई मूवीज़ में दिखाई जाती है। देखो एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है, कोई एक कंपनी है, उसको कब्जे में लेने के लिए आप धीरे धीरे मार्केट से उसके पूरे शेयर खरीद लेते हैं, हिस्सेदारों को अपने साथ मिला लेते हैं। एक्विजिशन है ना, कब्जा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक्विजिशन कर रहे हैं। बस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये देखता है कि ये जो एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है ये न्याय संगत है कि नहीं, लीगल टाइप का है कि नहीं। पता चला कि कब्जा करने की जगह मालिक कोई उठा लिया, कहा चलो साइन करो इस पे, ये वाला प्रोसेस ना हो, वो बिजनेस के तरीके से हो, ठीक है, बिजनेस के तरीके से हो, लीगल तरीके से हो, सही ढंग से हो, वैलिड हो। ये यहाँ पे CCI ये इंश्योर करता है कि कोई भी फाउल प्रैक्टिसेस नहीं यूज़ की गई है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो ये नुवोको विस्टा है वो इमामी सीमेंट को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, एक्विजिशन कर रहा है, इसको अपने कब्जे में ले रहा है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल डालें, किसके बारे में, CCI के बारे में डिटेल डालें, क्योंकि ये दोनों कंपनियों के बारे में डिटेल जान लोगे तो एग्जाम में आपके ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, लेकिन CCI के बारे में जान लोगे तो SSC बैंक और इससे फर्दर जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें ये काम आने वाला। 14 अक्टूबर 2003 में ये बना था, ठीक है। इससे पहले इस एजेंसी का जो नाम था, मतलब इससे पहले जो एजेंसी ऐसा काम कर रही थी उसको कह रहे थे हम लोग MRTP कमीशन, यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन इसका नाम हुआ करता था। अब इसका नाम क्या हो गया, CCI, ठीक। आई होप दैट बात समझ में आ रही जल्दी से, ठीक है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, अशोक गुप्ता इसके चेयरमैन है, PK सिंह इसके सेक्रेटरी है। इतनी बात क्लियर हो गई, एकदम नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया सबने, जल्दी से ग्रुप में थम्स अप वम्स अप कुछ डालो, हाँ सर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। अलोक यादव, शिवानी, रविंद्र, पूनम, अनामिका, बरखा, ऑल आई होप ऑल आर विद मी। ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको, ओके, चलो बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वीके सारस्वत, नीति आयोग मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट बाय बॉडी ऑफ श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड द कमर्शियल लॉन्च ऑफ अगापे चित्रा मैग्ना। ये कुछ दिन पहले भी हम लोग पढ़े थे ना कि ये इंस्टीट्यूट जो है श्री चित्रा तिरुनल, इन्होंने एक कोई एक चीज बनाई है नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी जिससे RNA एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ये इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, ठीक है, उसको जो है उसका अब कमर्शियल लॉन्च हो रहा है। कमर्शियल मतलब जानते हो क्या, कमर्शियल मतलब अब वो बिकेगा बाजार में, ठीक है, ये कमर्शियल लॉन्च हो रहा है। किसने किया इसको, VK सारस्वत जो कि नीति आयोग के मेंबर भी हैं और प्रेसिडेंट हैं इसके, ठीक है, जो SCTIMST है इसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक, ये बात इतनी आपको समझ में आ गई। चलिए आगे थोड़ा सा आप जान लो किसके बारे में, नीति आयोग के बारे में, क्योंकि ये आपके लिए, ये बॉडी जो है आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे जो ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि ये जो अगापे चित्रा मैग्ना टेक्नोलॉजी है इससे ये क्या करेंगे, ठीक है, तो ये RNA के नैनो वेस्ट पार्टिकल जो है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। इस पहले भी न्यूज़ में हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, अभी मेरे ख्याल से 5-6 दिन हुए होंगे या प्रोबेबली अराउंड 10 डेज। चलो फिलहाल थोड़ी सी देख लेते हैं ये नीति आयोग के बारे में, ठीक। ये नीति आयोग की अगर आप बात करो, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको डिफंक कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद जो है ये नीति आयोग आ गया। नीति आयोग के हमेशा चेयरमैन जो बने रहेंगे वो PM ही रहते हैं, जैसे कि नेशनल उसमें प्लानिंग कमीशन भी हुआ करते थे, ठीक से। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। और राजीव कुमार जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट है, अमिताभ कांत जो है इसके CEO है, बाकी के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, स्पेशल इन्वाइटीज के ग्रुप में शामिल हैं नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत एंड राव इंद्रजीत
अमरजीत सिंह, ठीक है। तो ये लोग स्पेशल इनवाइटेड में शामिल हैं और फुल टाइम मेंबर भी कुछ लोग हैं, जिसमें देखिए अभी वीके सारस्वत जी का नाम आया जो डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ हुआ करते थे, रमेश चंद जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, एंड डॉक्टर विनोद पॉल जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हुआ करते हैं। इन सभी लोगों को इसमें जो है फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है। एंड गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट और जितने भी स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के हेड हैं, ये सभी लोग जो है गवर्निंग काउंसिल में आते हैं। तो इतने लोग मिलकर जो है नीतियां बनाते हैं आगे कि राष्ट्र में कैसे चीजों को विकास कैसे लाया जाए, कैसे चीजों को डेवलप किया जाए, क्या प्लानिंग हम लोग करें कि चीजें आगे बढ़ सके, ठीक है। नीति आयोग को हटा दिया गया क्योंकि दौर बदल गया ना, दौर पहले भारत जो था एक क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था, फिर धीरे धीरे उसमें कई चेंजेस आए, कई फॉरेन को पूरा डिटेल जो है सामने उन्होंने उठा के रख दिया है, वेरी गुड, ठीक है। निष्ठा भी कह रहे हैं कि नीति आयोग के बारे में इन्फॉर्मेशन पिंकी पासन, जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो है इसकी कैपिटल है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर इज पिनारायणी विजयन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई होप ये प्रॉब्लम आप लोगों की थोड़ी सी सही हो गई, ठीक है। थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा आप लोगों को वो क्या कहते हैं, धीरज रखिए आप लोग, ठीक है, पेशेंस रखें थोड़ा सा, ठीक। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये कई बार जो है अक्सर आ जाती हैं। देखो मोबाइल चलाते वक्त आप देखते हो ना, कभी कभी जो है पता चला टावर गायब हो गया, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। ये हमारे देखो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, कभी मार्केटिंग आपको पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं बताऊंगा ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट होती हैं, तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ऐसे समय में जब आपका नेटवर्क खराब हो, ऐसे समय में जब कनेक्टिविटी नहीं बन रही हो, तो हमेशा पेशेंस काम आता है, धीरज रखा करिए, धीरज रखेंगे तो वो काम आएगा, ठीक है जी। चलिए चलिए कुछ बच्चे जो कह रहे हैं कि सर रिपीट कर दीजिए, चलिए मैं तो जल्दी से आपको फिर से एक बार चीज़ें बता देता हूँ, ओके। चलिए बाकी डिटेल तो आप लोग नोट कर लोगे, ऑलरेडी आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिसर्चर ये कहा यहाँ पे इस न्यूज़ में ये कहा गया है, आई होप ठीक है ये न्यूज़ आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अल्जाइमर एक डिजीज़ होती है जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का खतरा होता है, और ये बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा ये बीमारी होने की संभावना होती है। भारत में 3% जो 3% जो वर्ल्ड में अगर देखेंगे, ठीक है, अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो भारत का स्थान तीसरा आता है, ठीक है, इस डिजीज़ के लोगों की क्वांटिटी में अगर हम लोग बात करें। तो ये जो आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी गुवाहाटी ने एक नया तरीका ढूंढ रखा है कि ये जो मेमोरी लॉस वाली जो चीज़ है इसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये पता लगाया कि अगर न्यूरोटॉक्सिक मॉलिक्यूल इनकी क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो इसकी वजह से जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आती। तो इन्होंने कहा, जो आईआईटी गुवाहाटी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि लो वोल्टेज और ट्रोजन पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब क्या, शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड, इन दोनों का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये दोनों मिलके इस न्यूरोटॉक्सिक मॉलिक्यूल को कब्जे में ले लेंगे, इनको कंट्रोल कर लेंगे, और जैसे ही ये कंट्रोल हो जाएगा तो वो जो मेमोरी वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ये यहाँ पे कहना था। तो सवाल अगर आपसे कभी आएगा तो वो आपको आईआईटी गुवाहाटी याद रखना है, जो अल्जाइमर से रिलेटेड चीज़ें लाएंगे। और साथ ही साथ वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन कर दी ताकि आपको थोड़ा चीजें ये याद रहे इससे रिलेटेड, ओके। आई होप चीजें आ रही हैं सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हर्षवर्धन जी हैं, उनको हैज टू चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसके चेयरमैन ये बना दिए गए। मतलब भारत का एक पलड़ा भारी हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। That was the part of the news. World Health के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे शेयर की थी, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 में ये बना था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और थियोडोर एडानोम जो है इसके डायरेक्टर जनरल है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है, ठीक है। एवरीबॉडी इज ओके, जल्दी थम्स अप और तालियां वालियाँ बजा दो ताकि ये पता चल जाए कि सब कुछ एकदम ओके चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केरल के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे जो एडिशनल जज हैं वहाँ के हाईकोर्ट के, वो करुणाकरन नायर हरिपाल, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ
ये भी मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो केरल है वो एक साइड से कर्नाटक, एक साइड से तमिलनाडु, एक साइड से अरबियन सी, इन तीनों से घिरा हुआ, ये उसका जियोग्राफिकल स्टेटस है। ठीक है, उसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम जो डाउन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने उसको एनसर्कल कर रखा है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल मैंने केरल की आपसे शेयर की है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। कैपिटल आपको शेयर्ड है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एंड चीफ मिनिस्टर इस पिनारानी विजयन, एंड ढेर सारे जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं, जानते हो 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 2 नेशनल पार्क वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैंने उसमें से जो चर्चित नाम है थोड़े वो उठा के आपके सामने रख दिया है ताकि आपको याद रहे। पेरियार टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताडेकार बर्ड सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माथुंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरिवाकुलम नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये मैंने इकट्ठा करके आपके लिए रख दिया ताकि आप बार बार जब रीड करोगे ना तो इसको पढ़ते रहोगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल हैज टेंडर्ड हर रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट फॉलोइंग हर अपॉइंटमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूटल रिड्रेसल कमीशन। अब देखिए, इनका अपॉइंटमेंट हो गया दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में हो गया। अब ये कस्टमर जो कस्टमर का डिस्प्यूट होता है ना, जहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदता है, या तो इसके रेजोल्यूशन के लिए ये यहाँ पे जाएंगी, और इन्होंने इसके लिए ताकि इसका प्रेसिडेंट ये बन सके, इन्होंने जो है अपॉइंट कर दिया, अपने पर्टिकुलर जो पोजीशन है उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि 2 ऑफिस वो एक साथ होल्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो यानी हाईकोर्ट से इन्होंने रिजाइन करके क्या ज्वाइन कर लिया है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट की न्यूज है, बस ये नाम याद रखना और कहां इनको अपॉइंट किया गया ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैमसंग इंडिया हैज पार्टनर विद सोशल मीडिया जायंट फेसबुक टू ट्रेन ऑफलाइन रिटेलर्स टू गो डिजिटल। आप देखो, कुल मिलाजुला के बात ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, ऑफलाइन रिटेलर का मतलब जान रहे हो क्या है, किराने की दुकान जो मोहल्ले में दिख रही वो ऑफलाइन रिटेलर है। ठीक है, और कभी आपको ऐसा हुआ है कि बहुत कम हुआ होगा कि आप फेसबुक या उसके जरिए किसी पर्टिकुलर ऐप के जरिए आप उस रिटेलर को कहें कि भैया दूध पहुंचा दो। ठीक है, तो इस टाइप का ज़्यादा चांस है, भले ही फ़ोन की सर्विस होती है, जान पहचान होती है तो फ़ोन की सर्विस हो जाती है, कई बार चीज़ें घर पे पहुंचा जाता। अब फेसबुक जो है ना, सैमसंग और फेसबुक एक साथ आए और वो लोग कह रहे हैं इनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे और इनको हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। ठीक है, बात समझ गए, इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा ताकि ये भी टेक्निकली साउंड हो सके। ठीक, इतनी बस इतनी इसमें न्यूज़, ये मतलब चीज़ है। ठीक, तो आई होप ये बात आप समझ गए। ठीक, चलिए आगे आते हैं। इनको देखिए, महाशय जो दिख रहे हैं ये कोलंबिया के साइकिलिस्ट हैं। ठीक है, कोलंबिया के साइकिलिस्ट हैं और इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है, 4 साल के लिए बैन क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये भाई साहब जो हैं ये एक ऐसी दवा का उपयोग कर रहे थे जो ब्लड बूस्टर EPO कहा जाता है, इसका इस्तेमाल ये कर रहे थे। और ये EPO जो होता है ये एक टाइप का हार्मोन है, ठीक है, जो किडनी द्वारा प्रोड्यूस की जाती है एंड रेगुलेट द बॉडी प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, अब क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, और क्या ये ड्रग की कैटेगरी में आता। तो हमेशा देखो, किसी भी खिलाड़ी को जब बैन किया जाता है तो ये कहा जाता है कि वो प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, ये नहीं कि नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए लाइन हमेशा ध्यान रखना कि कई दवाएं ऐसी होती हैं जो प्रतिबंधित, मतलब नशीली कैटेगरी में नहीं आता, नशे वाली कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन वो बैन है, आप यूज़ नहीं कर सकते अगर आप खिलाड़ी हैं। ठीक है, प्रतिबंधित दवाएं उनको कही जाती हैं। तो ये भाई साहब भी उसी प्रतिबंधित दवा के चक्कर में पड़ गए और इनको जो है 4 साल के लिए वर्ल्ड साइकिलिंग जो फेडरेशन है, जो ग्रुप है, उसने कहा है कि भैया 4 साल के लिए आप आराम करें। ठीक है, ये जार्लिनसन पंटानो, ये तस्वीर उनकी मैंने लगा दी ताकि आप लोग पहचान सकें, और कोलंबिया के ये रहने वाले हैं। तो कोलंबिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। ये देखिए, ये सुंदर देश आपको दिख रहा है कोलंबिया, हालांकि भारत से कम सुंदर है। ठीक है, तो ये सुंदर देश कोलंबिया आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट में जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का और ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका का, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है आपके। ठीक है, कोलंबिया ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इक्वाडोर, पेरू और ब्राज़ील और गुयाना और वेनेजुएला से ये 1, 2, 3 और 4 कंट्री से ये घिरा हुआ है, और 5वां कंट्री यहाँ पे पनामा। ठीक है, पनामा पेपर्स वाली कहानी याद होगी, 1-2 साल पहले बहुत चला था। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन और एटलांटिक ओशन के बीच में जो हमारा
साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है उसमें ये मिलता है आपका, जिसकी कैपिटल है बोगोटा कोलंबिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बोगोटा कैपिटल इज बोगोटा एंड करेंसी इज पेसो एंड इवान डुक मार्केज इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये है आपका कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया आप एक इमेजिन लगा सकते हो ना, कोलंबिया कहाँ पे है, तो आप इमेजिन करना, आंखें बंद करोगे आपको पता चलेगा, अच्छा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, फिर उसके नीचे जो टचिंग एकदम जाके साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, और वहाँ पे जहाँ पे जिस पॉइंट पे पनामा टच करता है, ऑलमोस्ट मतलब टच ही कर रहा है, ठीक है, टच करता है जहाँ पे साउथ, ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, वहीं शुरू होता है क्या, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया शुरू होता है। ठीक है, मूवीज अगर आप देखो ना, मूवीज में कोलंबिया को ड्रग कार्टेल से जोड़ा जाता है, जैसे क्यूबा को जोड़ा जाता है वैसे कोलंबिया को ड्रग कार्टेल से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसी मूवीज जब बनती हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक और ये सब माना जाता है वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द चाइनीज सिटी ऑफ वुहान वेयर कोरोना वायरस वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड हैज इम्पोज बैन ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड कंजम्पशन फॉर 5 ईयर। अब देखिए, ये लोग अब चमगादड़ नहीं खाएंगे चाइना वाले, ठीक है, उसका सूप नहीं पियेंगे, क्योंकि वहाँ पे बैन कर दिया गया है इसको 5 साल के लिए। ठीक है, आगे के 5 साल के लिए जितने भी वहाँ पे चीजें हैं, ठीक, तो वुहान में ये बैन कर दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे पहली बार डिटेक्ट किया गया था, तो ये चीजें आपके क्लियर हो गए। ठीक, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन टू कैंसिल ऑल फेस टू फेस लेक्चर फॉर द ईयर 2021 एकेडमिक ईयर बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। क्या चाहिए बताओ, अब क्या चाहिए, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई फेस टू फेस लेक्चर नहीं होगा, मतलब अब जाना नहीं है, घर बैठो आएगा स्क्रीन पे देख लेना, समझे, तो अब यू नो कैम्ब्रिज में आप जा नहीं सकते, कैम्ब्रिज में फेस टू फेस लेक्चर होना नहीं है। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया 2020-21 के लिए, और इसकी देन क्या है, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। ठीक है जी, तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग किसी तरह मेंटेन की जाए, ये कोशिश की जा रही है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस द एक्विजिशन ऑफ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोवाइडर सॉफ्टमोटिव विच विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स पावर ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म। अब देखिए यहाँ पे बस इतना जान लो कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसको एक्वायर किया, सॉफ्ट मोटिव को एक्वायर कर लिया, किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। ये इतना आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए PMVVY इसको एक्सटेंड कर दिया भारत सरकार ने, जो कि इस साल ख़त्म होना था। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया 2023 तक। ठीक है, 2023 तक एक्सटेंड कर दिया, और ये भी कह दिया कि जो 2021 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसमें PMVVY में, ठीक है, ये कितना होगा, 7.4%। अब देखिए ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, ये पेंशन स्कीम है, भारत सरकार ने इसको लाया था। ठीक है, और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ठीक, तो अभी देखो इसमें होता क्या है कि ये इसका ओल्ड ड्यूरेशन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ये होता क्या था इसमें कि एक अमाउंट आदमी जमा करता था, जो भी व्यक्ति इसको लाभ पाना चाहता था, मान लीजिए 1,000 से लेके 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे इसमें लाभ अवेलेबल होते, कब, जब आप रिटायरमेंट की एज पर आ जाते हैं, तो जैसे पेंशन मिलती है वैसे ही पेंशन मिल रही होती इस योजना के तहत, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रही होती, आपको निवेश करना पड़ता। मान लीजिए अगर आपकी उम्र है लेट्स से 40 इयर्स, तो 20 साल तक आपको निवेश करना पड़ता, तभी तो 7 साल होता, तो 20 साल के लिए तक आप निवेश करते, और 20 साल तक जो आप निवेश करते, मान लो जो भी अमाउंट होगा, जैसा भी, अगर आपको 5,000 चाहिए तो एक अलग कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, 1,000 चाहिए तो अलग कैलकुलेशन आएगा, तो इसके हिसाब से जो आप निवेश करते और वो लाभ आपको मिलता, कब, जब आप रिटायरमेंट की एज को क्रॉस करते, यानी 60 वर्ष से अधिक हो जाते। ठीक है, फिर आते हैं अगले न्यूज पे। हमारा हरियाणा फर्स्ट ग्रिड कनेक्टेड 1.2 मेगावाट बायोगैस पावर प्लांट। अब देखिए यहां पे क्यों लिया गया है, याद रखो मोरखी डिस्ट्रिक्ट जिंद पक्का एक नंबर का सवाल बनेगा, चाहे वो SSC में उठा लो चाहे बैंक में उठा लो, ठीक है, पक्का एक नंबर का सवाल बनेगा। ऐसे ही सवाल उठाते हैं सब बैंक में, जितने भी बैंकिंग क्वेश्चन आते हैं ना, अब तो बैंकिंग कहां करंट अफेयर से उठाना ज्यादा शुरू कर दिया, और ऐसे ही उठाते हैं कि सर वो तो मैंने सुना ही नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, वही एग्जाम में आया है, देखो यही एग्जाम में आता है, ऐसे टाइप के सवाल। ठीक, तो देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा के लिए पहला है, ठीक है, ये बायोगैस पावर्ड पावर प्लांट बनाया गया। ठीक है, बायोगैस पावर, आप समझिए बायोगैस का दौर एक समय चलता था गांवों में, तो वहाँ पे बायोगैस के आपको अभी भी दिखते होंगे कई जगह स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, बायोगैस का, तो इससे ये बिजली उत्पन्न कर रहे हैं हरियाणा में, यहाँ पे पहला ग्रिड बना के इन्होंने तैयार कर दिया, जो 1.2 मेगावाट की बिजली सप्लाई करेगा, यानी उस पर्टिकुलर एरिया को, मोरखी एंड इन एरिया के लिए जो है बिजली ऑलमोस्ट ये इसी से अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। चलो
टर्मिनोलॉजी को हम लोग जान लेते हैं। टर्मिनोलॉजी में मैंने वही रखा जो अभी आपने देखा कि वार्ड जो नहीं था, बैन कर दिया, खिलाड़ी को बैन कर दिया। आपको दिखता है बहुत दिन से अभी दिख रहा है ना, भारत में बैन कर दिया, तो ये अभी बेचारा साइक्लिस्ट बैन हो गया। तो ये समझ लीजिए ये लोग कर कौन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वाडा, वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। डिक पाउंड ने इसको बनाया था, मतलब फाउंड किया था, और फॉर्मेशन इसका 10 नवंबर 1999 में हुआ था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी लुजैन स्विट्जरलैंड में, तो डिक्लेरेशन ऑफ लुजैन के तहत इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, डोपिंग, एंटी डोपिंग इन गेम्स, ठीक है। और गेम्स में, स्पोर्ट्स में जो है डोपिंग मतलब नशी, कोई भी ऐसा प्रतिबंधित दवा लोग ना खा लें। अब पता चला किसी ने जो है कोई ऐसी दवा खा ली और उसको थकान नहीं महसूस हो रही तो वो दौड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये वाली बात हो गई। यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल, क्वेबेक यानी कनाडा में है, ठीक है। प्रेसिडेंट अभी जो है विथॉल बांका है, जो कि पोलैंड के हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से ये संबंधित है, ठीक। और ये अपना काम डायरेक्ट, वाडा डायरेक्ट अपनी काम नहीं करती, इसने जो है रीजनल और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज बना रखी, ऑर्गेनाइजेशन बना रखी, जिसके थ्रू इसकी वर्किंग चलती है। समझ लो ये ब्रांच ऑफिस है इनके, ठीक है, रीजनल ऑफिस ब्रांच ऑफिस, ठीक है। ये वाडा के बारे में ना क्लियर हो गया। अब नाडा की बात कर लें इंडिया में, ठीक है, नाडा की बात कर लें इंडिया में, ठीक है। नाडा जो है मोटो वही रहता है, जितने भी आडा टाइप के हैं ना जो एंटी डोपिंग एजेंसी, सब यही कहते हैं प्ले फेयर, मतलब ईमानदारी से आप इसमें खेलें, ठीक। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन जो है 24 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। पर्पस इज एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स के लिए है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन जो इसके हैं इस संस्था के, हमेशा वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स रहती है, ठीक है। लेकिन CEO यहाँ पे नवीन अग्रवाल हैं इसके, ठीक है, नवीन अग्रवाल इसके CEO हैं, किसके, नाडा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग MCQ सेक्शन में जाने से पहले फिर से एक बार रिमाइंडर दे देते हैं, 499 का ऑफर कॉम्बो प्रोडक्ट का अभी भी आपके लिए वैलिड है, ठीक है। आज जो है, आज भी वो वैलिड रहेगा, इसलिए जल्दी से इसको जो है परचेज कर लीजिए, ताकि आपको यूजफुल प्रोडक्ट जो है समय के लिए मिल जाए। बिल्कुल सही जवाब पूनम, आपने बहुत अच्छे मतलब उसमें इन्फॉर्मेशन शेयर की, हर्षित ने भी इन्फॉर्मेशन शेयर, बहुत सही इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए, ये चीज़ें आपको जो है हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, MCQ की बात करते हैं। MCQ के लिए सभी लोग तैयार हो जाए, प्लीज़ सभी लोग रेडी हो जाओ, जल्दी से थम्सअप ग्रुप में डालो, मैं MCQ स्टार्ट करता हूँ। सीक्वेंस बता दूँ, सवाल आएगा, सवाल के साथ टाइमर बैकग्राउंड में चल रहा होगा, और जैसे समय समाप्त होगा वैसे ही टाइम जो है आपके सामने समाप्त होगा, वैसे ही आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए रेडी है सब लोग, तैयार, और थैंक यू फैजल, ईद की पार्टी आपने दी है सबको, तो थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन। आपको मैंने बताया था ना, टाटा वाले जो TV नरेंद्र साहब थे, ही लेफ्ट आउट, टाटा ही उस ग्रुप से बाहर निकल गई थी, तो फिलहाल वो पोस्ट खाली थी और वो पोस्ट भर चुकी है, एंड इट इज नाउ दिलीप ओमन, ठीक है। दिलीप ओमन साहब जो है वो बन गए हैं क्या न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ISA, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट बाय IRDA लाइसेंस इंश्योरेंस इंटरमीडियरी इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस रिसेंटली, ठीक है। हाल ही में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में शुरू की गई है। जल्दी से आंसर आप लोग दे दीजिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, और चलिए जवाब भी आपके सामने आ गया, महाराष्ट्र, ठीक है, मी अन्नपूर्णा। अगला सवाल है, रिसेंटली कार्मेन रेहान हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। किस संस्थान ने कार्मेन रेहान को जो है अपने वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया, IMF, UNO, वर्ल्ड बैंक, SARC एंड WHO। जल्दी से इसमें जवाब दे दीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, अभी हाल ही की न्यूज है ये, और आपके काम बिल्कुल आने वाली है एग्जामिनेशन में। और सही जवाब है वर्ल्ड बैंक, समय केवल 20 सेकंड का है, बहुत ज्यादा समय नहीं, इसलिए बहुत तेजी से एकदम कंसंट्रेट करो, 100% कहीं इधर उधर दिमाग नहीं जाना चाहिए, जल्दी से जवाब देना शुरू कर दें आप लोग। चलिए, रिसेंटली फ्लिपकार्ट हैज टाइड विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी टू फ्लिपकार्ट कस्टमर। फ्लिपकार्ट कस्टमर के लिए डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप किया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। जल्दी जवाब दे, समय आपका समाप्त हो रहा है, मुश्किल से 5 सेकंड और है, 4 3 2 1 और समय आपका हुआ समाप्त। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है,
आंसर है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रिसेंटली टू इंडियन पावर लिफ्टर सविता कुमारी अनिकेता सिसोदिया हैज बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय नाडा, फिर से वही आ गया नाडा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जल्दी से बता दो भाई। मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ये वाडा और नाडा जो है वो खिलाड़ियों के लिए थोड़े खतरनाक हो गए हैं, ठीक। जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय आपका होने वाला है समाप्त, और ये समय हुआ आपका समाप्त। और सही जवाब जल्दी से बता दिए, नाडा हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था नाडा हेडक्वार्टर। देखिए मुझे लगा था ऐसा सवाल बन सकता है, और ये देखिए सवाल भी बना हुआ है। अगला सवाल है आपके सामने। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी डिफेंस आइटम टू बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अभी हाल ही में हम लोग बात किए थे वो 127 एंड समथिंग एंड समथिंग एंड समथिंग। जल्दी से याद कीजिए और सही जवाब दीजिए, समय आपका समाप्त हो रहा है। ये देखिए 10, 5, 4, 3, 2, 1, और सही जवाब है 26, ठीक है। 26 अभी बात किए थे ना, वो 127 का ही तो बात किए थे, 127 में से 26 जो है वो इंडिया से प्रोक्योर किए जाएंगे, ठीक। बहुत अच्छे, चलिए जल्दी से अगला सवाल। रिसेंटली स्विस फॉर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी हैज गॉट सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर डेवलपिंग जेवार एयरपोर्ट। जेवार एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कल ही ये बताया था न्यूज, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, जल्दी जवाब दो। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ज्यादा समय नहीं लेना इसमें, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। समय आपका हुआ समाप्त, जल्दी से सही जवाब है इसका, जवाहर एयरपोर्ट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कल ही बात किए थे हम लोग, अगर आपको रिमेम्बर, अगर याद हो तो कल ही बात किए थे हम लोग इसके बारे में। चलिए अगला सवाल। रिसेंटली डीटी व्हीकल सर्विस हैज बीन लॉन्च फॉर वुमेन ऑफ रूरल लाइवलीहुड मिशन इन ट्राइबल डोमिनेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। किस डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है डीडी व्हीकल सर्विस? बस इतना जानिए, इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। जबुआ, बिंद, मुरैना, रेवा, सतना। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश वाले तो बता ही लेंगे, जो लोग भी अवेलेबल होंगे। चलिए सही जवाब है जबुआ, ठीक है, जबुआ इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं हम लोग। एवरी ईयर एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व ऑन 21 मई एवरी ईयर इन इंडिया ऑन द डेथ एनिवर्सरी विच प्राइम मिनिस्टर। किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के डेथ एनिवर्सरी में के को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से जवाब दे दीजिए, अभी मनाया गया है और मेरे ख्याल से न्यूज़ मीडिया में आप लोग देखते रहे होंगे। तो सही जवाब है राजीव गांधी जी, हाँ स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या जो है इसी दिवस में हुई थी, ठीक। चलिए रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रेल जोन हैज बीन डेवलप रोबोटिक डिवाइस रेलबोट। रोबोटिक डिवाइस रेलबोट किस जोन ने बनाया, रेलवे जोन ने बनाया? नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ सेंट्रल रेलवे। जल्दी जवाब दे दो, बहुत अच्छा। देखो एकदम आप लोग दौड़ रहे हैं, एकदम हुसैन बोल्ट हो गए, देखिए कॉम्पिटिशन का असर है, सब लोग हुसैन बोल्ट हो गए हैं एकदम। बहुत सही, और ये सही जवाब आ रहा है। रेल बोर्ड किसने बनाया? तो रेल बोर्ड बनाया साउथ सेंट्रल रेलवे ने, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे ने बनाया। तो ये इतने सवाल के बाद हम लोग जो है अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। 49,499 का ऑफर को ऑन कॉम्बो प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है। myshop.mahindra.org पे जाके प्रोडक्ट को देख जरूर लें एक बार, आपके काम की बहुत सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, उनको आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए 10 में से कितने नंबर मिले आपको? 5, 5, 5, 5, कुछ लोग 5, 10, ओके 8 नंबर, वेरी गुड। चलिए फिलहाल आप लोगों की मेहनत एकदम सफल रही, अच्छी रही, आज का सेशन आपके सामने, डिस्पाइट सम टेक्निकल डिसेबिलिटी यू स्टेड विद द सेशन, दैट इज़ वेरी गुड साइन, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, और हम लोग मिलेंगे कल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द